आटे और गंदम की कीमतों के इजाफे में बासर हुकूमत अरकिन के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की मिल्स के स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चीनी के बहरान की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गिरोह ने पहले चीनी बरामद की ताकि पैसे कमाए जा सकें और मुल्क में तंगी हुई और अब वो चीनी दरामद कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान की निगरानी में ये मेगा करप्शन स्कैंडल पेश आया ताकि उनके ATM पूरी तरह से भर सकें जो बाद में इनकी खिदमत के लिए पेश किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरामद करने वाले 3 आला हुकूमती अरकान के नाम जाहिर किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत करप्ट लोगों पर नहीं बनी तो वो इन मुलजिमान को सामने लाने के लिए पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं तश्कील दे रहे। कमेटी तहकीकात करेगी कि इस बहरान से किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है और कौन इस लूट मार में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी की जानब से अब तक कोई रिपोर्ट जारी न करने की वाहिद वजह यह है कि इमरान खान और उनके वजीर मुलजिम है।